हेलो डियर सब्सक्राइबर्स मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ़ प्रेगनेंसी में फ्रेंड जैसा कि आप ये देख रहे हैं एक तरफ पीरियड साइकिल लेंथ लिखी हुई है दूसरी तरफ उसका वोल्यूशन टाइम लिखा हुआ है आप सब्सक्राइबर्स के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें से अस्सी परसेंट कॉमेंट्स होते हैं जो आपका सवाल होता है कि मैम हमारे इतने दिन की पीरियड साइकिल है इतनी तारीख पर हमारा पीरियड आया था तो हमारा वोल्यूशन टाइम बता दीजिए इस वीडियो से आप आसानी से अपना वोल्यूशन टाइम जान पाएंगे क्योंकि इसमें इक्कीस से लेकर के पूरे पचास दिन तक की पीरियड साइकिल और उसका ओवल्यूशन टाइम दिया गया है तो आप इस वीडियो के ज़रिए इस चार्ट के जरिए आप अपना ओवल्यूशन टाइम आसानी से जान पाएंगे आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है और या तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा मैं अब इसको आपको समझा देती हूँ इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं वो कैसे अपना ओवल्यूशन टाइम जान सकते हैं और किस तरह से आप रिलेशन बनाएं अपने ओवल्यूशन टाइम पे कब बनाएं ताकि आप आसानी से प्रेग्नेंट हो सकें तो पहले मैं आपको ये चार्ट समझा देती हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोगों को ना समझ में आए तो हर किसी की हेल्प हो सके इसलिए मैं एक बार ये चार्ट आपको समझा दे रही हूँ जैसे कि एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि एक तरफ ये पीरियड साइकिल लेंथ लिखी हुई है कि मतलब आपकी पीरियड कितने दिन की है कितनी साइकिल है आपके पीरियड की आपके पीरियड कितने दिन पर आते हैं हर महीने बहुत सारे लोग पीरियड साइकिल नहीं समझ पाते हैं तो आप सिर्फ इतना नोट करके रखिए कि आप लास्ट थ्री मंथ के पीरियड आपके जो आए थे उसकी डेट नोट करके रख लीजिए एक जगह पर और आप उस जो पिछले महीने आपके पीरियड आए थे और जो इस महीने आपके पीरियड आए उसके बीच में कितने दिन का अंतर है आप वो कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको अपने पीरियड साइकिल लेंथ पता चल जाएगी क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें नहीं पता हमारी पीरियड साइकिल कितने दिन की है इतनी तारीख पे आए थे इतनी तारीख पे आए थे अब आप हमें ओवल्यूशन टाइम बता दीजिए तो आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं आप तीन महीने की पीरियड की अपनी डेट नोट करके उसके बीच का डेट निकाल लीजिए बीच के उसके जितने भी दिन बचे हैं कैलकुलेट कर लीजिए तो आप अपनी पीरियड साइकिल लेंथ खुद निकाल लेंगे अब अगर किसी के पीरियड्स इक्कीस दिन में आ जाते हैं इक्कीस दिन बाईस दिन तेईस दिन की जो साइकिल होती है ये बहुत शॉर्ट होती है साइकिल तो इनका ओवल्यूशन जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है तो अगर किसी के पीरियड इक्कीस दिन में आए हैं तो उनका जो ओवल्यूशन होगा वो पीरियड से छठवें दिन पर स्टार्ट होगा मतलब कि पीरियड के फर्स्ट डे से काउंट करना है तो फर्स्ट डे से काउंट करने पर जो सिक्स डे होगा तब ओवोल्यूशन स्टार्ट होगा डे सिक्स ऑफ पीरियड मतलब पीरियड के छठवें दिन से जिनके पीरियड साइकिल बाईस दिन की है तेईस दिन की है तो जिनकी बाईस दिन की है उनका भी छठवें दिन से शुरू होगा जिनकी तेईस दिन की है उनकी भी पीरियवोल्यूशन टाइम पीरियड से सातवें दिन होगा जिनकी चौबीस चौबीस uh, दिन की साइकिल है उनका भी सातवें दिन होगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिनकी पच्चीस दिन की है उनका ओवल्यूशन uh, जो है वो पीरियड से आठवें दिन हुआ है जिनकी छब्बीस दिन की है उनका पीरियड से नवे दिन हुआ है ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जो ओवोल्यूशन टाइम है आपको पीरियड के अपने फर्स्ट डे से ही काउंट करना है जिस दिन आपके पीरियड शुरू हुए थे यानी अब इस तरह से आप देखते चलिए आइए कि ये सत्ताईस दिन की साइकिल का ओवल्यूशन टाइम है ये अट्ठाईस दिन की साइकिल का ओवल्यूशन टाइम है इस तरह से ये पूरा यहाँ तक चौंतीस तक दिया हुआ है जिनकी चौंतीस दिन की साइकिल होती है उनका सत्रहवें दिन पीरियड से सत्रहवें दिन ओवल्यूशन टाइम शुरू होता है फिर उसके बाद हम इधर देखते हैं जिनकी पैंतीस दिन की साइकिल है उनका पीरियड से अट्ठारहवें दिन ओवल्यूशन शुरू होता है जिनकी छत्तीस दिन की है उनका उन्नीसवें दिन शुरू होता है इस तरह से आप इसको देख सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको वीडियो बीच में पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट करके रख लीजिए अपनी पीरियड साइकिल लेंथ के अकॉर्डिंग जो आपका ओवल्यूशन टाइम है आप उसे नोट करके रख लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए अपना ओवल्यूशन टाइम पता करने के लिए क्योंकि वो टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब माना जाता है कि प्रेग्नेंट होने में ज़्यादा आसानी होती है इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी मैं उसमें आपको बताऊँगी कि अगर कोई बहुत सारे कपल्स कपल्स हैं जो वोल्यूशन टाइम पर रिलेशन नहीं बना पाते हैं तो वो फिर कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हैं क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोगों के कॉमेंट्स आते हैं कि मैम हम हमारे पार्टनर वोल्यूशन टाइम पर अवेलेबल नहीं रहते उनकी ऐसी जॉब है तो हम फिर कैसे प्रेगनेंट हों तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं उस पर आपको बताऊंगी कि तब आप क्या कर सकते हैं फिलहाल जो आपके इतने सारे कमेंट्स आते हैं सत्तर अस्सी परसेंट कॉमेंट्स जो आपके आते हैं वो सिर्फ ओवल्यूशन पे ही डिपेंड होते हैं कि आपको अपना ओवल्यूशन टाइम नहीं पता होता और आप वो जानना चाहते हैं तो आप इसे पूरा नोट करके रख लीजिए स्क्रीन इसका ले लीजिए ताकि आप अपना ओवल्यूशन टाइम आसानी से जान सकें अब जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं टाइम से नहीं आते उन्हें क्या करना है कि उन्हें पीरियड की अपने बारहवें दिन से पच्चीसवें दिन के बीच में डेली या अल्टरनेट डेज पे रिलेशन बनाना है इससे क्या होगा कि प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब आप डेली या अल्टरनेट डेज़ पे रिलेशन बनाते हैं उसके अलावा आपको अपने सिम्टम्स का भी ध्यान रखना है ओवल्यूशन जब आते हैं तो वो सिम्टम्स के साथ आते हैं जैसे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं पीरियड्स जब आने वाले होते हैं तो उसके सिम्टम्स होते हैं पेट में दर्द होने लगता है मरोड़ होती है इस टाइप की चीज़ें होती हैं जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसके भी सिम्टम्स होते हैं उसी तरह ओवल्यूशन के भी सिम्टम्स होते हैं ओवल्यूशन के बहुत बढ़िया नौ सिम्टम्स मैंने बताए हैं और जो ओवल्यूशन के टाइम पे वाइट डिस्चार्ज होता है वो किस टाइप का होता है मैंने उसकी भी कैसी क्वालिटी होती है कैसा टेक्स्चर होता है उसका अपियरेंस कैसा होता है ये भी मैंने बताया है उसका वीडियो उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगी आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा तो आप भी अपने ओवल्यूशन टाइम पे जो सिम्टम्स आएंगे आप उससे भी अपना ओवल्यूशन टाइम पता कर सकते हैं जिनके की पीरियड्स इरेगुलर हैं इसके अलावा जिनके इरेगुलर हैं वो अपने पीरियड के बारहवें दिन से पच्चीसवें दिन के बीच में रिलेशन रखना स्टार्ट कर दें डेली रखें या अल्टरनेट डेज पे इससे भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी एक बात और कि ये जो ओवल्यूशन टाइम होता है ना ये एक हफ्ते का माना जाता है वैसे तो एग जो होता है वो किसी एक ही दिन रिलीज़ होता है लेकिन ये नहीं पता होता कि एग किस दिन रिलीज़ होगा हो अब इसको एक्जैक्टली exactly अगर आपको पता करना है कि किस दिन एग रिलीज़ होगा तो इसके दो तरीके होते हैं या तो आप ओवल्यूशन किट से ओवल्यूशन का पता कर लीजिए कि एग किस दिन रिलीज़ हो रहा है या फिर फॉलिकल स्टडी करवा के भी आप पता कर सकते हो फॉलिकल स्टडी में भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देते हैं मैं फॉलिकल स्टडी पे भी बहुत जल्दी एक वीडियो बता बनाऊँगी जिसमें आप आसानी से फॉलिकल स्टडी के बारे में जान सकते हैं तो आप ये दो तरीके होते हैं जिसमें आप ओवल्यूशन का एग्जैक्टली exactly पता कर सकते हैं कि एग कब रिलीज़ हो रहा है लेकिन अगर नहीं इस आप ये तरीके नहीं अपना सकते हैं तो फिर आप एक हफ्ते का टाइम ले करके चलें एक हफ्ते आप डेली अल्टरनेट डेज पर रिलेशन बनाएं तो आपके प्रेगनेंसी के कंसीव होने के चांसेस अस्सी से नब्बे परसेंट तक रहते हैं और क्योंकि जो ओवल्यूशन होता है उसके एक या दो दिन पहले से ही रिलेशन बनाना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि जब आपका ओवल्यूशन स्टार्ट हुआ है तभी एग तुरंत रिलीज़ हो जाए ओवरी से तो अगर पहले से स्पम्प मौजूद रहेगा तो तुरंत जैसे ही एग रिलीज़ होगा इस्पम मौजूद रहेगा वो उसको जा करके उसे मीट करेगा फर्टिलाइजेशन कर देगा और एग जाके यूट्रस में चिपक जाएगा और प्रेग्नेंसी कंसीव हो जाएगी तो इसलिए एक या दो दिन पहले से ही रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए मैंने इस जो भी मैंने ये ओवल्यूशन टाइम दिया है आपको मैंने इसमें एक एक दिन एडवांस से जोड़ा हुआ है आपको अपनी तरफ से इसमें एडवांस जोड़ने की ज़रूरत नहीं है बाकी आप चाहें तो रिलेशन पूरे महीने बनाएं वो और भी अच्छी बात है प्रेग्नेंट होने के और भी ज़्यादा उसमें एक सौ एक परसेंट चांसेज हो जाते हैं अगर आप पूरे महीने रिलेशन बनाते हैं अगर आप सिर्फ ओवल्यूशन का इंतज़ार नहीं करते तब तो और भी अच्छी चांसेज क्योंकि उसमें हंड्रेड परसेंट से भी ज़्यादा चांसेस होते हैं फिर प्रेगनेंसी के कंसीव होने के लेकिन जो लोग ओवल्यूशन का वेट करते हैं फिर उनके लिए मैंने ऑलरेडी इसमें एक से दो दिन एडवांस में जोड़ के रखे हुए हैं आप बस इस डेट पे अपने इस टाइम पर रिलेशन बनाना शुरू कर दें तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे तो ये मैंने पूरा चार्ट बहुत स्टडी के बाद तैयार किया ऐसा ही एक चार्ट मैंने और पहले भी ऐसा वीडियो अपलोड किया होता लेकिन उसमें इक्कीस से चालीस दिन के पीरियड साइकिल और उसका ओवल्यूशन टाइम दिया था फिर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि मैम पचास दिन का बताइए पचपन दिन का बताइए तो फिर ये मैंने इक्कीस से पचास दिन की पीरियड साइकिल का ओवल्यूशन टाइम तैयार किया है और ये बहुत स्टडी के बाद तैयार किया है ये बहुत सटीक इसमें ओवल्यूशन टाइम दिया गया है आपको इसे फॉलो करिए आई एम श्योर कि आप जल्दी प्रेग्नेंट होने में आपको हेल्प मिलेगी अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए मैं उसका भी रिप्लाई ज़रूर दूंगी वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी पे हम आपके हर एक सवालों का जवाब देते हैं सवालों के जवाब देने में देर हो सकती है लेकिन सवालों के जवाब ना दें ऐसा कभी नहीं होता तो मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बाय बाय सी यू सून स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी